बस बस हो गया, बहुत अच्छा हुआ है। हाथ हाथ हाँ, अब उनका फोटो निकाल। हाँ एक मिनट एक मिनट, ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा। अरे फूल डालो, फूल डालो, फूल डालो, सारे सारे इकट्ठे होते सीएमओ साहब को करने वाले। हाँ बीच में नहीं, बीच नहीं आओ, बीच नहीं आओ, बीच वो खाली जगह को भरिए बीच में जब वहां पे। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बीमारी है पुरानी मुझे बहुत पुरानी है, जो माइक्रोबैक्टीरियल लेप्रेसी से होती है और इसमें स्किन और नर्व से इन्वॉल्वमेंट होती है। 600 BC में फरवरी को जो कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है, पुण्यतिथि है, हम काम स्पर्श जागरूकता अभियान चला रहे हैं ताकि भारत को कुष्ठ मुक्त करवा सके। हम सब लोग ये घोषणा करते हैं हम अपने जिले को ढूंढ निकाल कर उसे दवाई खिलवा कर स्वस्थ करवाकर रहेंगे। साथ ही हम ये भी घोषणा करते हैं कि हम कुष्ठ पीड़ित व्यक्ति से ना खुद ना ही किसी और को किसी भी प्रकार का भेदभाव करने देंगे। हम सब व्यक्तिगत तौर पर इकट्ठे मिलकर कुष्ठ से लगे भेदभाव को जड़ से मिटाने के लिए सही योगदान को लगा देंगे ताकि ये लोग आम समाज का हिस्सा हो जाए। हमारा संकल्प कुष्ठ मुक्त भारत और इसका ट्रीटमेंट कैसा होता है, मैं आप सबकी जानकारी के लिए ये मैं बता दूं कि ये ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पे ब्लॉक हेडक्वार्टर पे या इवन नीचे तक ये बिल्कुल फ्री है ट्रीटमेंट। सिर्फ पता चलना चाहिए कि किसको बीमारी है, इसके लिए हमारे जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं ये कोशिश करेंगे कि ये डोर टू डोर जाके कैंपेन चलाएंगे, इसमें ये नए केसेस को ढूंढेंगे और उनको तुरंत ट्रीटमेंट पे लगाएंगे। आज के दिन में मैं आपको बता दूँ कि ये तकरीबन हमारे 15 केसेस हैं जो इस ट्रीटमेंट पे चल रहे हैं, इसको रिलीज को ट्रीटमेंट कर दिया गया और 15 केसेस जो है वो अभी भी ट्रीटमेंट पे चल रहे हैं। हम सबका ये दायित्व भी है, अपने भी है, इसके क्या लक्षण होते हैं वो बड़े तरीके से बता दिए हमारे गौरव जी ने, तो आप देखें अगर ऐसा कोई भी केस आता है तो आप उसको ब्लॉक हेडक्वार्टर पे अभी आपके जिला अधिकारी का संदेश है वो आप पढ़कर सुनाएंगे। जिलाधिकारी के 2018 के लिए जो संदेश है वो इस तरह से है, एक अपील है भाइयों बहनों, कुष्ठ रोग एक मामूली बीमारी है जो एक जीवाणु लेप्रोबैसिलस से होती है, ये एक शुआशूत का रोग नहीं है, इसकी जांच और इलाज सभी सरकारी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त मिलता है। कुष्ठ रोग की शुरुआत में पहचान और जांच करा ली जाए एवं पूरा इलाज ले लिया जाए तो कुष्ठ रोग पूरी तरह से ठीक हो जाता है एवं शारीरिक विकलांगता से बचा जा सकता है। इसका इलाज कुछ मामलों में 6 माह एवं कुछ मामलों में 12 माह का हो सकता है। कुष्ठ रोग की पहचान कैसे करें, कुष्ठ रोग की पहचान के लिए पहला जो ध्यान देने वाली चीज वो ये है कि चमड़ी पर
चमड़ी के रंग से फीका, एक या एक से ज्यादा दाग या धब्बे, जिसमें सूनापन, सूखापन हो, पसीना ना आता हो, खुजली, जलन, चुभन ना होती हो, ये कुष्ठ हो सकता है। दूसरा, शरीर पर, चेहरे पर, भौहों के ऊपर, कानों के ऊपर सूजन, सूखापन, सूनापन एवं कमजोरी होने पर भी कुष्ठ की जांच करवाएं, कुष्ठ रोग हो सकता है। MDT मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट जो है वो कुष्ठ रोग का शर्तिया इलाज है, जो सभी सरकारी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त उपलब्ध है। हमारे जिला में कई कुष्ठ रोगियों के उपचार के लिए एवं कुष्ठ रोग को मुक्त करने के लिए हमारा फ्री का ट्रीटमेंट चलता है। अतः सभी से आग्रह है कि अगर आप के या आपके पड़ोस में किसी व्यक्ति को इस तरह का दाग धब्बे हो या तो आप खुद उसको लेके आए या हमारे यहाँ आशा बहन जी, आंगनवाड़ी वर्कर, स्वास्थ्य कर्मकर्ता से संपर्क करें, हमें सिम्टम देख के आप कुछ रोग से मुक्त करवा सकते हैं। धन्यवाद। आप सब जानते हैं आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है, जिसको हम हमारे देश में एंटी लेप्रेसी डे के तौर पर मनाते हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि पिछले साल से हमने एक फर्स्ट लेप्रेसी अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया है पूरे देश में। ये जो पिछले साल से शुरू हुआ है 2017 में 30 जनवरी को शुरू किया था, और वही चीज़ आज भी हम यहाँ 30 जनवरी 2018 में शुरू कर रहे हैं। इसके तहत हम एक तो जनरल अवेयरनेस देंगे पब्लिक को, ताकि पब्लिक को पता चल सके कि इस बीमारी के क्या लक्षण हैं। अगर बीमारी जल्दी पकड़ी जाएगी तो उसका ट्रीटमेंट भी टाइमली हो जाएगा, और जिससे कि हमारी पब्लिक स्वस्थ रहेगी। तो हम उसको हमारी मोबाइल वैन है उसको हम फ्लैग ऑफ करेंगे यहाँ से, उसमें हमारा पब्लिसिटी मटेरियल भी है, साथ में हमारे कुछ कार्यकर्ता भी रहेंगे जो ये लोगों को समझाते जाएंगे कि इस बीमारी के क्या लक्षण है और इसका ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ हो सकता है। सर, किन किन क्षेत्रों में जो मोबाइल आपकी बयान आ जाएगी? ये हमारे शुरू करेंगे ब्लॉक परोल से, नगरी परोल से पूरा कवर करेंगे, और उसके बाकी ब्लॉक्स में भी जाएंगे। उसके बाद ये हमारा प्रोग्राम 13 फरवरी तक चलता रहेगा, तो ये 13 फरवरी तक ये फील्ड में रहेगी हमारी।